नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं प्राची भटनागर। कोरोना काल में शादी समारोह में बढ़ते सावधानी, कहीं शादी में जाने से आप कोरोना संकट को न्योता तो नहीं दे रहे हैं। बिहार के एक विवाह समारोह में कुछ ऐसा ही हुआ। समारोह में आए लोग कोरोना से संक्रमित हो गए, जिससे हड़कंप मच गया। इस शादी में 360 लोग शामिल हुए थे, सभी की कोरोना जांच कराई गई और 89 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बिहार के एक शादी समारोह के मामले ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की परेशानी को बढ़ा दिया है। शादी में शामिल होने वाले लोग तेजी से संक्रमित पाए जा रहे हैं। अब तक इस शादी समारोह में शामिल हुए 360 लोगों की जांच हो चुकी है, जिनमें से 89 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 31 लोग पहले से ही पॉजिटिव पाए गए थे। पटना के पालीगंज में हुए इस शादी समारोह में दूल्हे की मौत शादी के अगले दिन ही हो गई थी, जिसके बाद अब ये मामला सामुदायिक संक्रमण का रूप लेता नजर आ रहा है। जिला प्रशासन के अनुसार शादी 15 जून को हुई थी और अगले दिन ही दूल्हे की मौत हो गई थी। शादी में शामिल हुए कुछ लोगों में कोरोना के लक्षणों की शिकायत थी, जिसके बाद बारातियों का ग्रुप सैंपल लिया गया, जहां 9 लोग संक्रमित पाए गए। इसके बाद कुछ और लोगों के संक्रमित होने की जानकारी मिली। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि 4 चरणों में अब तक 360 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। परिवार के मुताबिक दूल्हा शादी से पहले गाड़ी के जरिए दिल्ली से बिहार आया था। बिहार पहुंचने के बाद वे कुछ दिनों तक आइसोलेशन में भी रहा था। परिवार वालों का कहना है कि शादी से पहले कोरोना के कुछ लक्षण नजर आने लगे थे, शादी के अगले दिन ही उसकी मौत हो गई। शादी में शामिल हुए इलाके के स्थानीय दुकानदार, सब्जी विक्रेता और हलवाई की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद प्रशासन की चिंता और भी बढ़ गई है।